हेलो बडीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिम बाई शू गेमिंग तो गाइज आज हम बड़े दिनों बाद फिर से खेलने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट क्राफ्ट गाइस जैसा कि आप लोगों ने आ, लास्ट एपिसोड में देखा होगा आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आ, एक विलेज बनाया था मतलब अपने घर के पास ही एक होम विलेज बनाया था जहाँ पे अपने विलेजर्स लेके आएंगे और वो हमारा काम भी करेंगे और हम उनसे बहुत सारी चीजें ले भी सकते हैं तो मैंने एक अपना छोटा सा घर बनाया था जहां पे विलेजर्स रह पाए प्लस की मैं लेके भी आया विलेजर्स बहुत मेहनत के बाद मैं फाइनली विलेजर्स भी अपने घर पे ले आया था और उनके साथ मैंने ब्रीड भी करवाया ब्रीड करने के बाद अपने पास दो से तीन विलेजर्स भी हो चुके हैं और मैंने एक फार्म भी अच्छा खासा कर लिया है एक आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे की पीछे अपना क्या बोलते है सुगर फार्म भी हो चुका है और पटेटो फार्म भी हो चुका है और प्लस अपने वीट फार्म भी हो चुका है अभी अपने बहुत सारे फार्म भी लाने वाले हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने इतना ही रखा है ठीक है और अपने क्या बोलते हैं विलेज भी जो मैंने छोटा सा घर बनाया है विलेजेस के लिए ये भी मैं बड़ा करूंगा क्योंकि अभी धीरे धीरे जाके बहुत सारे विलेजेस अपने टाउन में होने वाले हैं और आज का दिन आज के दिन अपना कुछ खास दिन है क्योंकि आज अपने करने वाले हैं एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं आज अपने ठीक है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाली है क्योंकि आज एक्सपी फार्म बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगी अरे यार एक तो ये टूट गई ठीक है तो आज अपना सिर्फ एक ही टारगेट है अपने को एक्सपी फार्म बनाना है मैंने सीखा तो है कि कैसे बनाना है अब देखो अभी सबसे पहले काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ ठीक है गाइस और एक्सपी फार्म अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके गुड मॉर्निंग गाइस अभी मैं बोल रहा था कि एक्सपी फार्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपी फार्म के बिना अपना कुछ नहीं क्योंकि अपने बार बार मर जाते हैं तो अपनी एक्सपी नहीं बढ़ पाती है अभी अभी एक्सपी फार्म से सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपना ये रहेगा कि अपने ज़ोंबी को मारेंगे तो वो क्या रहेगा कि अपने को उनसे बहुत सारी चीज़ भी मिलेगी प्लस के अभी भाई क्या डरा देता है भे मैं क्या बोल रहा था कि अपने को बहुत सारी एक्सपी भी मिलेगी प्लस के प्लस जॉम्बी को मारने के बाद उसके वो बहुत सारी चीज़ें अपने को ऐसी दे देता है जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती है तो एक्सपी फार्म बनाना अपने लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो अभी मैंने बहुत सारे पोटेटो ले लिए हैं विलेजर्स के लिए ताकि मैं उनको बीच में ब्रीड करा पाऊँ और बहुत सारे विलेजर्स अपने पास इकट्ठे हो जाए ठीक है तो अभी इनके इनको मैं पोटेटो खिला देता हूँ अबे भाई खा लो यार ऐसा ना करो ठीक है अभी खा तो रहे ठीक है, है इनको बहुत सारे पोटेटो खिलाने पड़ते हैं, गाइस, बहुत ज्यादा तब जाके ये एक बार ब्रीड करते हैं ठीक है अभी मैंने दो एक बार तो करा दिया था तो ए, एक विलेजेस आ चुका है अपने पास अभी बहुत सारे इन लोगों को मेरे को पोटेटो खिलाने पड़ेंगे इनको जॉब देनी पड़ेगी अभी ये मेरे पास लाइब्रेरियन है ठीक है लाइब्रेरियन है और का, कार्टोग्राफर है और प्लस एक क्या बोलते हैं फार्मर है अभी दो तीन तीन मेरे पास अलग अलग विलेजेस है तो ये तीनों बहुत ज़्यादा काम के हैं इनसे मैंने बहुत सारे एमरल भी ले लिए थे ओके तो मैंने उन लोगों को बहुत सारे पोटेटो भी खिला दिए प्लस के मैंने यहाँ पे सारे लगा भी दिए है ठीक है गाइस अभी सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ मैंने ना बहुत सारे इन लोगों को पता नहीं बहुत सारे इसको वीट दिए थे तो इसने मेरे को उसके बदले बहुत सारे एमरल्स भी दिए थे तो एम्ब्रेस भी बहुत ज़्यादा काम आता है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अभी ये मेरे पास एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन को भी मैंने देखा है कि लाइब्रेरियन को भी बहुत सारा अपने पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देते हैं तो उसके बदले ये अपने को, कोई सीक्रेट मैप देता है जहाँ पे ख़जाना होता है तो वो सब भी अपने करेंगे धीरे धीरे ठीक है गाइज तो ठीक है अभी सबसे पहले अपना काम पर देखते हैं मेरे पास अभी ये मैंने लगा दिए थे गाइज क्योंकि ना जो भी यहाँ से कूद के यहाँ पर डायरेक्ट आ जा रहे थे तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे एक पिलर खड़ा किया है अभी यहाँ पे मैं ये पॉइजन वाला जो भी पोटेटो रखता हूँ ठीक है अभी अपना मेन टारगेट जो है वो करने जाते हैं अपने को एक्सपी फार्म बनाना है कुछ भी करके आज मैं कुछ भी करके एक्सपी फार्म बना के रहूंगा एक्सपी फार्म अपना बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है अपने विलेज के लिए मतलब जो भी अपना होम टाउन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं इसको इतना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने वाला हूँ ना अपने लेवल इसको घर भले छोटा सा है लेकिन जितनी भी चीजें मैं बनाऊंगा वो सारी इतनी बढ़िया बढ़िया इतनी बड़ी बड़ी बनाऊंगा कि आप भी बोलोगे क्या बात है बॉय ठीक है अभी मैंने सारा मटेरियल कलेक्ट कर रखा था क्या क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये वाटर चाहिए वाटर बकेट कि ये ये वॉटर काम आएगा ये चेस्ट चाहिए इसमें मेरे को चार चेस्ट चाहिए चार हॉपर चाहिए और मेरे को ये काबल्स क्या बोलते हैं स्लैब भी चाहिए उसके बाद यहाँ पे आ, ये ट्रैप डोर है ट्रैप डोर भी चाहिए बहुत सारी ज़रूरत है इनकी और ये वाटर वकेट चाहिए वाटर वकेट मतलब ऊपर पानी डालने में काम आएगा और इतने सारे काबल स्टोन चाहिए अभी ये तो बहुत कम है अभी फिलहाल के लिए मैं इतने लेके जा रहा हूँ कम पड़ेंगे तो अपना और ले आएंगे बहुत बड़ी दुनिया है ये तो ठीक है तो अभी फिलहाल के इतना ले लेते हैं और फटाफट से अपने एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेते हैं कि कौन सी जगह पे अपने को अपना एक्सपी फार्म खड़ा करना है अभी जाते हैं फटाफट से ऊपर और यहाँ पे मैंने नीचे एक क्या बोलते हैं ट्रैप जैसा लगा दिया जिससे डोर ओपन होता है ऑटोमेटिकली ठीक है प्रेशर प्लेट सॉरी प्रेशर प्लेट में ट्रैप डोर बोल रहा हूँ ठीक है अभी मैंने सोचा तो था कि मैं हम आ, इसके एग्जिट बाजू में बनाऊंगा जो भी अपना विलेजर टाउन है उसके बाजू में एग्जिट बनाऊंगा एक्सपी फार्म तो ये जगह अपनी एकदम परफेक्ट रहेगी ठीक है क्या बोलते हो गाइस तो ये जगह अपने लिए एकदम परफेक्ट है ये जगह फटाफट से साफ करते हैं और यहीं पे अपनी जो भी एक्सपी फार्म है उसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है एक्सपी फार्म बहुत बड़ा बनने वाला है गाइस ठीक है तो फटाफट से ये जगह साफ करते हैं अपनी ठीक है तो गाइस तो जगह एकदम साफ हो चुकी है अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको एकदम मिड में बनाऊ ठीक है तो ये जगह एकदम मेरे को परफेक्ट लग रही है तो ये एक दो तीन चार यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं चेस्ट आ जाएगी चार चेस्ट यहाँ पे मेरे को लगानी है तो फटाफट से यहाँ पे चार चेस्ट लगाता हूँ ये एक दो यहाँ पे दूसरी ये तीसरी ये चौथी अभी इसके ऊपर एग्जिट होपर आएंगे कि जो भी जोम्बी ऊपर से गिरेंगे उसको मैं एक ही बार में मैं मार पाऊंगा तो डायरेक्ट जो भी सामान होगी जो भी चीजें होगी वो डायरेक्ट चेस्ट के अंदर आएगी हॉपर के थ्रू तो अभी मेरे को होपर इस हिसाब से लगाना है कि हॉपर एग्जिट इसके अंदर ही टच हो तो इसको थोड़ा मेरे को एडजस्ट कर लगा, करके लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा तो अभी यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड थोड़ा जुगाड़ मेरे को थोड़ा आ, अपने हिसाब से जुगाड़ करना पड़ेगा ओके नहीं यार ये तो वो साइड में गया यार ये तो बॉल से कनेक्ट हो गया नहीं 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 अभी एक सेकंड मेरे को है ना इसको एक लेवल और ऊपर लेना पड़ेगा या तो यहाँ पे हाँ ये इजी, 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 इजी है ये इजी है ईजी है ये इजी है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे डीप अपने होल करते हैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को ऊपर ही लगाना ओके अभी ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो चुका है ठीक है इजी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी ऐसा ही सेम मेरे को तीन साइड और करना है और सेम वैसे ही कनेक्ट कर देना है तो यहाँ पर मेरे को छेद करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके थ्रू तो लगेगा नहीं मेरे हिसाब से क्योंकि वो डायरेक्ट चेस्ट खुल जाएगी नहीं यार ये इससे कनेक्ट हो गया है तो अपने को ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट इसको अपने चेस्ट से ही कनेक्ट करना है कि आ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो अभी यहाँ पे इसको डायरेक्ट इधर लगाता हूँ और यहाँ पे अपना जो भी हॉपर है ये कनेक्ट करते ओके, अभी ये डन है ठीक है अभी दो साइड मेरे को सेम ऐसा ही करना है ओके तो अभी दूसरी साइड भी सेम वैसा ही मेरे को करना है ठीक है अभी यहाँ पे मेरे को हॉपर लगा देने हैं और अपना काम डन हो जाएगा ये वाला बहुत बहुत टाइम लगने वाला है अपने को ये बनाने में पता नहीं कितनी देर लगेगी ठीक है अभी ये कंप्लीट हो चुका है अभी मैं इसको तोड़ूंगा तो डायरेक्ट इसके अंदर आके ही गिरने वाले हैं अगर ये मेरा काम सही रहता है तो मतलब मैंने कोई गलती नहीं की है अभी इसको फटाफट से ढकते थे ऊपर से जो भी मैंने खराब किया है ओके ओके ये सही है यार अपना काम डन होना चाहिए बाकी तो बाड़ में गई ठीक है अभी अपना काम हो गया है ठीक है अभी इसको तोड़ते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसे हाँ मैं भूल गया था मेरे को याद तो है कैसे एग्जिट बनाना है अभी ये मैंने तोड़ा है तो डायरेक्ट उसके अंदर ही गया होगा वैसे तो ओके 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 अपना काम अपने सही जा रहे गाइस एकदम सही जा रहे है ठीक है अभी मेरे को इसको ट्वेंटी टू हाँ ट्वेंटी टू फ्लोर ऊपर बनाना है ताकि जोम ऊपर से गिरे तो खाली उनकी वन एच ही बचे तो उस हिसाब से मेरे को इसको मैनेज करना पड़ेगा ठीक है तो अरे एक सेकंड इसके ऊपर मेरे को चढ़ना पड़ेगा कैसे चढ़ूँ एक सेकंड इसको इसके ऊपर नहीं 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 एक सेकंड इसके ऊपर मेरे को स्लैब लगाने तो मेरे को स्लैब लगाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ओके ओके ये एकदम परफेक्ट किया ठीक है अभी स्लैब से क्या होगा स्लैब से ना डायरेक्ट वो उसके अंदर ही आएगा आ, मेरे को एक ऐसा फ्लोर बनाना ताकि जॉम्बी इसके ऊपर गिरे और डायरेक्ट वन एच बचे और मैं एक ही तलवार से उसको मार दूँ तो क्या है कि मेरे को एक्सपी भी अच्छी खासी मिलेगी प्लस जो भी वो सामान लेके आया होगा वो भी मेरे को मिलेगा ठीक है तो अभी यहाँ पे मेरे को इसको ट्वेंटी वन फ्लोर ऊपर लेके जाना है तो ये नीचे का जो भी चीज़ है वो मेरे को तोड़नी पड़ेगी उसके बाद जाके मेरे को ये एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है अभी यहाँ से इसको तोड़ता हूँ एक ये दो ठीक है अभी ऊपर चढ़ते अपने सिंपल सा ऊपर जाना है और यहाँ से मेरे को इसको चारों साइड से कवर कर देना है इसको तोड़ देता हूँ ठीक है अभी यहाँ से इसको मैं चारों साइड से कवर कर देता हूँ ताकि एक मेरा जो भी था मेन चीज़ वो चीज़ बन जाए और डायरेक्ट मेरे को फिर उसको ऊपर की साइड खींचना ही है ठीक है आ, ये इसको ऐसे लगाया एक अरे यार नीचे ही गिर गया ठीक है कोई नहीं नीचे से इसको रेडी कर देते हैं एक दो और ये तीन अरे गलत लग गया गलत लग गया शिट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे को यहाँ पे सबसे पहले सोना पड़ेगा सोऊंगा तभी सुबह अभी जो भी आएंगे मारने लगे फालतू में इस अच्छा सो जाता हूं मैं यहाँ पे ओके ओके गुड मॉर्निंग गाइस अभी फटाफट से अपना काम कंप्लीट करते हैं वो मैंने थोड़ा गलत लगा दिया था इसको सही करते हैं अपनी गलती सुधारते हैं इसको तोड़ो, इसको तोड़ो इसको तोड़ो इसको तोड़ो ये कुछ काम का नहीं है ठीक है अभी इधर अपने कंप्लीट करते हैं एक दो तीन और ये चार ओके ये कनेक्ट हो चुका है उससे अभी सिंपल सा ये पेड़ यहीं पे रहने देता क्या पता ऊपर से गिर गया तो डायरेक्ट यहीं पे स्पॉन होगा यहाँ से अब मेरे को डायरेक्ट ट्वेंटी वन फ्लोर ऊपर लेके जाना है ट्वेंटी वन ब्लॉक ऊपर लेके जाना है ताकि इस हिसाब से रहे कि अपना जॉम्बी ऊपर से गिरे तो वन एच पी बचे तो ठीक है यहाँ से एक आ, एक ठीक है ना ऐसे हाँ ठीक ही है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ओके okay, अभी ये ट्वेंटी वन ब्लॉक एकदम अपना कंप्लीट है ठीक है अभी यहां पे सिंपल सा मेरे को एक सेम टू सेम बनाना है लेकिन गलती कर दी मैंने अभी मैं नीचे कैसे जाऊंगा यार ये गलती हो गई सेट यार सेट सेट अब मेरे को कूदना पड़ेगा यार एक सेकंड मेरे पास वाटर है वाटर बकेट मेरे को लेकिन अभी आती नहीं है आ, मैं सीख रहा हूँ अभी वाटर बकेट अभी मैं ट्राई करते चलो चलो क्या पता तुक्के से हो ही जाए अब देखते हैं मेरे लक कैसा है ठीक है अभी यहां से मैं डायरेक्ट कूदने वाला हूँ थ्री टू वन जम करूँ कि नहीं ठीक है कोई नहीं गै गया गया यार शिट शिट यार ये मेरे को सीखना पड़ेगा यार वाटर बगड़ मेरे को एकदम कंप्लीट सीखना पड़ेगा नहीं तो ऐसे तो मेरी मैं ऐसे गिरता ना गाइस तभी मेरी एक्सपी डायरेक्ट उसकी आधी हो जाती है अभी कुछ नहीं यार दस थी एक्सपी अभी पांच हो गई ठीक है यार ठीक है कोई नहीं ये सीख जाएंगे वाटर बकेट अगर मैं एक बार सीख गया तो भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता माइनक्राफ्ट के अंदर क्योंकि वाटर बकेट बहुत हार्ड ट्रिक है जहां तक मैंने सीखी है जहा तक मैंने सीखी कहाखी है तक मैंने देखी है ठीक है अभी सिंपल सा मेरे को एक यहां से नीचे से सब एडजस्ट करते हुए जाना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले इसको तोड़ता हूं ठीक है इसके ऊपर चढ़ो ये इसके ऊपर डन करते हैं ठीक है ओके तो गाइज अभी सेम मेरे को वही करना है ठीक है यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की साइड मेरे को पूरा फ्लोर एडजस्ट करते हुए जाना है तो ऊपर तक मिलते हैं गाइस ये जब तक मैं सेटअप कर लेता हूँ ठीक है ये ऊपर मैं तक सेट कर लेता हूँ ओके तो अपना कंप्लीट हो चुका है गाइस चारों साइड से मैंने पूरा कवर कर दिया है ठीक है अभी ये पूरा बन चुका है एकदम स्क्वायर में और डायरेक्ट ये नीचे की साइड आप देख रहे हो कि कितना डायरेक्ट यहाँ से जॉम्बी नीचे गिरने वाले हैं और वो लोग बचेंगे वन एचपी ठीक है अभी मेरे को वापस से नीचे जाना है गाइस लेकिन एक सेकंड एक सेकंड मैंने यहाँ से थोड़ी गलती कर दी है ये जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है वो मेरे को कवर करना पड़ेगा ठीक है जो भी गाइस ये साइड साइड के जितने भी ब्लॉक्स है ये मेरे को तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा ये कुछ काम के नहीं रहते हैं तो ये तोड़ते हुए मैं नीचे चलता हूँ ठीक है और नीचे जाके मेरे को अभी और भी ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ब्लॉक ख़त्म हो चुके हैं कॉबल स्टोन तो वो भी लेके आने पड़ेंगे मेरे को ठीक है तो ये फटाफट से तोड़ता हूँ मैं चारों साइड से ठीक है तो गाइज़ अपना काम डन हो चुका है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पानी क्यों ऊपर से आ रहा है इतना मैंने पानी ऐसे कैसे ऊपर से आ रहा है लेकिन ये एक ट्रिक है गाइज अपने वाटर बकेट ऊपर जाके ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये एक मस्त सी लिफ्ट बन जाती है ऊपर आने की तो ये चीज़ भी मैं सीख चुका हूँ अच्छे से ठीक है लेकिन अभी मैं नीचे गिर नीचे गिर गया था गलती से तो ये भी मैं अभी सीख रहा हूँ तो अभी फिलहाल के लिए पानी अपने कलेक्ट कर लेते हैं और ये सारा पानी खत्म हो जाएगा ठीक है ओके तो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है अभी बस मेरे को गाइस यहाँ पे एक मेरे को बेस खड़ा करना है मतलब एक बेस बनाना है चारों साइड में यहाँ पे एक मेरे को बेस खड़ा करना है गाइस एक प्रॉपर बेस खड़ा करना है तो उस हिसाब से मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से मेरे को पांच ब्लॉक पीछे जाना है मतलब छ ये इसको मिला के छ ब्लॉक होंगे ठीक है तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं एक, आ, एक दो लेकिन अभी एक ही गिनते हैं दो आ, तीन चार पाँच छ सात आठ आठ ब्लॉक ठीक है गाइज मैं छः बोल रहा था लेकिन मैंने वो ट्यूटोरियल वापस देखा तो छः नहीं आठ थे अभी टोटल मिला के नौ हुए ठीक है तो ये टोटल नौ ब्लॉक्स में आगे लेके आ चुका हूँ नौ ब्लॉक हो चुके हैं यहाँ पे ठीक है तो ये एकदम एकदम कंप्लीट हो चुका है ये यहाँ पे बस एक अच्छा सा मेरे को साइड में जाके प्यारा सा ब्लॉक बनाना पड़ेगा लेकिन सोचा सबसे पहले चारों साइड ये कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद पूरा कम, वो मैं आप लोगों को बताता तो हूँ कैसे क्या है ये एक दो तीन चार तीन हुए तीन हुए तीन हुए, तीन, हुए एक दो तीन ठीक है और ये चार पाँच छ सात आठ और ये नौ लास्ट ठीक है अभी ये कंप्लीट है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है गाइस, ठीक है तो फटाफट से चारों साइड में कंप्लीट कर देता हूँ ठीक है ऐसे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगा ठीक है चार चार पाँच छत आठ नौ ठीक है ये गाइस अपना फाइनली मैंने चारों साइड से इसका एकदम कवर कर दिया है ठीक है अभी मेरे को क्या करना है गाइस सिंपल सा ये चारों साइड से मेरे को अब इसको पूरा कवर कर देना है आ, मतलब कि एकदम सा जितने भी चारों साइड है उसको मेरे को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से अब वो कैसे करना है आप लोग देखिए सिंपल सा ये यहाँ पे मेरे को एक लगाना है नीचे की साइड तो एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ब्लॉक एक दो ठीक है अभी इसको पूरा कवर कर दूंगा तो मैं आप लोगों को बताना हूँ मेन चीज क्या है अब जो एक्स्ट्रा ब्लॉक मैंने जो लगाया था उसको मैं तोड़ देता हूँ कि एक एक, एक सेकंड मेरी पिक खत्म हो गई यार अब फिर पिकेक्स बनानी पड़ेगी शेट सेट शेट शेट सेट ठीक है अभी पिक बना लेता हूँ फटाफट से सबसे पहले मेरे को आ, अपना जो भी है क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल अपने पास रखनी चाहिए ठीक है अभी अगली बार से ऐसा नहीं होगा एक क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास होगी एटलीस्ट एक, एक तो रखनी ही पड़ेगी क्योंकि कभी भी काम आ जाता है फटाफट से एक पिकेक्स में बना लेता हूँ एक नहीं दो बना लेता हूँ यार काम आएगी अर्जेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है ठीक है आ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, है ज़्यादा नहीं सोचने का ठीक है अभी इसको फटाफट से तोड़ो अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी और अरे यार नीचे गिर गई शिट ठीक है कोई नहीं और बन जाएगी वुड की कमी थोड़ी है अपने पास ठीक है अभी इसके अंदर पता है गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर पता नहीं कौन कौन से टाइप के आ, क्या बोलते हैं फार्म्स होते हैं जो अपने को अभी नहीं पता है तो वो सब मैं देखूंगा सीखूंगा और अपने जो भी होम टाउन है हो, उसमें अपने कंप्लीट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक और मैं लगा देता हूँ और इसको पूरा कवर करते हुए चलते हैं चारों साइड में अपने को सेम ऐसा ही करना है यहाँ से ये यह जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है वो मैं तोड़ देता हूँ ठीक है अभी बस मेरे को यहाँ से एक कवर कर देना है और चारों साइड को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है ठीक है तो ये करते हुए चलते हैं यार यार चढ़ जाए यार क्यों ऐसा कर रहा है ठीक है लेकिन इधर एकदम संभाल के गैस करना पड़ेगा अगर यहाँ से पैर फिसला मतलब शिफ्ट का बटन थोड़ा सा भी छूटा तो डायरेक्ट मुख के बल नीचे जाके मैं गिरने वाला हूं ठीक है तो वो एकदम मेरे को ध्यान रखना है ओके वैसे बैड नीचे है तो लेकिन फिर भी आप लोग मेरी एक्सपी देख ही पा रहे होंगे पहले पांच थी अभी तीन है मतलब मैं सोचो एक बार और गिरा हूँ ऊपर से बहुत बुरी तरह ठीक है अभी मेरे को चारों साइड ऐसे ही सेम करना है फटाफट से कंप्लीट करते हैं गाइस ओके तो गाइस मैं कंप्लीट करता हूं रात हो चुकी है मतलब एकदम रात हो चुकी है और अभी एक साइड और बची है ठीक है अभी इसको पूरा कंप्लीट करते हैं यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया है रात हो चुकी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी ये फाइनली कंप्लीट होने वाला है ऊपर की साइड से अभी और भी काम बाकी है गाइज ये तो अभी कुछ भी नहीं है ये तो अभी इसका क्या बोलते हैं फोर्टी परसेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी बहुत सारा काम है जो अपने को कंप्लीट करना है ठीक है और एक तो कॉबल स्टोन खत्म हो गए थे मैं और भी ज़्यादा लेके आया हूँ लेकिन ये भी बहुत कम पड़ने वाले हैं तो वो भी अपने ले आएँगे वापस जाके अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही ठीक है ठीक है ओके गाइज तो आप लोगों को मैं बताता हूँ एक्चुअल में कैसा है कैसा मैंने इसको बना दिया अभी मेरे को यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बनाना है लेकिन वो बनाते हैं अभी लेकिन ये देखो अभी इसको फटाफट से तोड़ता हूँ और फटाफट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा है फटे यार रे यार ये क्या लगा दिया मैंने गलती से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसको कलेक्ट करते फटाफट से अरे भाई अभी बच गया नीचे जाके गिरता डायरेक्ट एक बाईस फ्लोर से नीचे गिरता डायरेक्ट मुंह टूटता ठीक है अभी यहाँ पे एक लगा दिया और यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देते हैं एक यहाँ पे और दूसरा दूसरी साइड पे ड्रॉप करना है और ये अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ये लगाया इधर ओके अभी ये एकदम कंप्लीट हो चुका है आ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ये एडजस्ट करना पड़ेगा ओके अब यहाँ से तुम जितना भी पानी लो ये कभी खत्म नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया है बस अभी चारों साइड में क्या है मेरे को कॉर्नर कॉर्नर में पानी छोड़ देना है ताकि जोम्बी है ना डायरेक्ट एक सेकंड में आप लोगों को बता दे जोम्बी कैसे जैसे ही जोम्बी स्पॉन होंगे ना तो ये डायरेक्ट बीच वाले ब्लॉक में जाके गिरने वाले हैं अभी मैंने बीच में ब्लॉक कवर कर दिया है ताकि मैं खुद जाके नीचे ना गिर जाऊँ इसलिए फिलहाल के लिए कर दिया है ठीक है और ठीक है अभी एक गड़बड़ हो चुकी है एक सेकेंड यहाँ से मेरे को इसको तोड़ने दो तो ताकि ये कंप्लीट हो जाए आ, ओके अभी ठीक है मेरे को वही लगा कि थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ी कमी आ रही है वो क्या कमी आ रही है वो देख लिया मैंने ठीक है अभी यहाँ पे भी चारों साइड मेरे को ऐसा ही करना है थी अभी एक दो साइड एक साइड मैंने कर दिया है तीन दो साइड और बची है तो ये भी इधर भी सही से सेम करते हैं अपने अभी यहाँ पे मेरे को लगाना है वाटर वकेट और ये लास्ट अपना काम कंप्लीट ओके अभी आप लोग भी देख रहे होंगे सारा पानी आके यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है इससे आगे नहीं जाएगा और बीच में मस्त एकदम क्या बोलते हैं ट्रैप बन चुका है जो डायरेक्ट आके नीचे गिरने वाला है अभी अभी गाइस क्या करना है अभी पूरा एक बहुत बढ़िया मेन चीज़ काम है जो अपने को कंप्लीट करना है अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ इसको मेरे को कनेक्ट करना है मतलब ये मेरा थोड़ा फालतू में थोड़ा मुझे पता है लेकिन अभी मेरे को इसको पूरा एग्जेक्ट कंप्लीट करना है उससे कनेक्ट करके आ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ठीक है अभी नौ आई थिंक सो ज़्यादा आगे हो चुका है मेरे को एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो एक ब्लॉक अभी तोड़ने से पहले मेरे को वहाँ से कनेक्ट करता हुआ आता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कैसे क्या है ठीक है अभी आप लोग भी बोल रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ अभी जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट खेली होगी उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो अभी नए हैं जिनको नहीं पता है कि माइनक्राफ्ट क्या होती है मेरी तरह जो नए हैं सीख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि ये एक्सपी फार्म है जिससे अपनी एक्सपी कलेक्ट होगी और जॉम मरेंगे तो वो अपने को अच्छी अच्छी चीज़ें देके जाएंगे ठीक है तो अभी देखो आप देखो कितनी खतरनाक चीज़ बनने वाली है ठीक है अभी ये मेरे को पूरा जितना भी है ये मेरे को पूरा कवर कर देना है ताकि ये एक बेस बन जाए जहाँ पे जॉम्बी स्पोन हो पाए ठीक है तो उस हिसाब से मेरे को ये कर देना है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है अभी ये पूरा कंप्लीट करते जितना भी बीच का कवर अप है वो पूरा कंप्लीट करते अपने ओके okay, तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है एक ही चीज़ मेरे को कंप्लीट करते हुए इतना टाइम हो चुका है अभी इतना मैंने कंप्लीट कर दिया अभी सेम मेरे को चारों साइड मतलब तीनों साइड ऐसा ही सेम करना है ऐसा बेस बनाना है तो लग जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना बेस बनाने रेडी करते हैं ठीक है ओके तो गाइस फाइनली अपना पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैंने पूरा बेस कवर अप कर दिया है बस क्या बोलते हैं कॉबल स्टोन खत्म हो गए थे वो लेने गया हुआ था मैं और बहुत सारे इस बार लेके आया हूँ ताकि मेरे को दूसरी बार ना जाना पड़े ठीक है गाइस तो ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं जुगाड़ बना रहा हूँ कि ऊपर मैं चढ़ पाऊँ ठीक है तो अपना एकदम सेफली एकदम यहाँ पे लैंड करते हैं प्यार से ठीक है अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस अपना अभी अपने को कुछ नहीं कर रहा है आ, एक एक और थोड़ा इसको दो ब्लॉक ऊपर कर रहा है और एकदम घर टाइप से मतलब एकदम ऊपर से इसको कवर कर देना है ताकि जितने भी जोम्बी है इसके अंदर स्पॉन हो पाए ठीक है थीके? तो इसको मैं दो ब्लॉक ऊपर बना रहा हूँ वैसे मैं तीन ब्लॉक ऊपर बनाऊंगा तो इसके अंदर एंडरमैन स्पॉन हो पाएंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए मैं दो ब्लॉक के ऊपर ही बना रहा हूँ ताकि अभी फिलहाल जोम्बी का तो हो जोम्बी कम्प्लीट होगा तो बाकी अपना दूसरा भी हो जाएगा ठीक है तो फटाफट से इसको भी कम्प्लीट करते हैं और इसका एक चारों साइड से एक क्या बोलते हैं वॉल टाइप बना देते हैं अभी ये फटाफट से करते 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 हो गया है अपना काम ठीक है और जब तक गाइस ये मैं कोवल स्टोन लगा रहा हूँ तब तक आपको जाके नीचे एक प्यारा सा लाइक बटन होगा उसको जाके दबा दो ठीक है आ, और कुछ खास चीज़ें जो आने वाली है आप लोगों के लिए जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आप लोगों को तो खाली गैस थोड़ा वेट करो मुझे पता है वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है मैं रेगुलर नहीं हूँ अपने चैनल पे आई नो लेकिन वो भी अपने रेगुलर हो जाएंगे और एक सेकेंड एक साइड बाकी है यार मेरे को क्या मैं भूल कैसे गया कि एक साइड बाकी यार कॉवर स्टोन खत्म हो गए थे ये भी मैं भूल गया था और वो लेके आने के बाद मैं डायरेक्ट अपना ये काम चालू कर दिया एक सेकंड मेरे को पूरा कवर अप इसको करना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले मैं सोचा वॉल खड़ी कर दूँ उसके बाद जाके ये वाला करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, है कोई नहीं हो जाती है यार दिमाग से निकल जाता है ओके आ, एक दो तीन ओके अभी फाइनली चारों साइड मैंने पूरा कवर कर दिया है और सबसे पहले वहाँ पे जाके अरे यार क्या करूँ मैं कर क्या रहा हूँ ठीक है अभी इसको मैं कवर अप करता हूँ और इसको तोड़ो फटाफट से एक तो पिक्स भी खत्म हो जाती है आज तो मैंने इतनी सारी पिक्स बना लिया ना गाइज़ कि पिकैक्स भी की कमी ना हो अभी इसको फटाफट से कवर अप करते हैं यार बहुत ज़्यादा इसमें टाइम गया है मेरा बहुत ज़्यादा अभी पता है गाइज़ नेक्स्ट एपिसोड पता है मैं एक माइनिंग करने वाला हूँ कि एक मस्त एक अपने जगह ढूंढेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है तो वो भी जाके अपने डायमंड भी ढूंढेंगे ठीक है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मैं माइनिंग वाला ही लाने वाला हूँ वो माइनिंग वाले में अपने डायमंड्स ढूंढने निकलने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी अगले एपिसोड में भी ठीक है तो जस्ट वेट एंड वॉच ठीक है गाइज और आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने कोबल स्टोन टोड़ा डायरेक्ट जाके वहाँ बीच में गिरा है तो सोच लो कि जोम्बी आएंगे तो क्या हाल होने वाला है जोम्बी का अभी बस कुछ नहीं गाइस अब मेरे को क्या करना है ओके गाइस तो बस सिंपल सा अभी ये चारों साइड मैंने कवर कर दिया है ठीक है अभी मेरे को सिंपल सा यहाँ पे एक कॉबल स्टोन लगाना है ताकि ऊपर से मैं इसको पूरा कवर कर पाऊँ ठीक है ये इस तरह से ठीक है अभी ये जो पीछे मैंने एक्स्ट्रा स्टोन लगाया है इसको तोड़ते हैं ठीक है और अभी इसको ऊपर से पूरा कवर करते हुए चलते हैं और एकदम मस्त कंप्लीट अंदर से पूरा कवर कर देते हैं ठीक है गाइस तो फटाफट से काम अपना चालू करते हैं इसको कवर करने का ओके okay, चालू फटाफट से वैसे फटाफट हो जाएगा ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है बिल्कुल भी मेरे को ओके okay, तो गाइज अपना लगभग पूरा कम्प्लीट होने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे पता है बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया और एक तो ये स्टोन इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं यार पता नहीं चलता है बस थोड़ा सा रह गया है बस और ये रात हो चुकी है अभी यहाँ पे जोबी ना स्पॉन हो तो अच्छा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जोम्बी यहाँ पे स्पॉन होने वाले हैं तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है गाइस यहाँ पे इसको तोड़ो तो अभी मेरे को क्या करना है गाइस ऊपर की साइड मेरे को जितनी भी टॉर्चिस है टॉर्चिस है टॉर्चिस तो है ही नहीं मेरे पास भाई टॉर्चिस बनानी पड़ेगी यार शेट ठीक है ठीक है ठीक है, है सबसे पहले टॉर्चिस बनाते हैं अपने बहुत सारी टॉर्चिस बनाएंगे ताकि अपना काम हो जाएगा ठीक है फोर्टी एट टॉर्चिज़ बनी है और ये बहुत है आई थिंक सो तो अभी क्या करना है गाइस मेरे को यहाँ पे अरे यार फेंक क्यों रहा हूँ अभी मेरे को चारों साइड में यहाँ पे मेरे को है ना टॉर्चिज लगा देनी है ठीक है फटाफट से यहाँ पे टॉर्चिस में लगाता हूँ गाय मैंने गलती से है ना पहले ही टॉर्च लगा दी टॉर्च मेरे को आई थिंक सो बाद में लगानी चाहिए अब पता नहीं पहले लगा देते तो होता है कि नहीं होता है लेकिन अभी बाद में लगाएंगे ठीक है मैं जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या कर दे रहा हूँ लेकिन अभी सबसे पहले टॉर्चिस लगा लेते हैं टॉर्चिज़ हटा लेते हैं यार लगा क्या लेते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं अभी ठीक है टॉर्चेज सारी मैंने हटा दी है अभी सिंपल सा अंदर जाके जो भी अपना अंदर का जो काम है वो कंप्लीट करने के बाद अपने टॉर्चेस लगाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार जो भी स्कॉन ना हो इसलिए मेरे को टॉर्च टॉर्च लगा देनी चाहिए ठीक है ये एक यहाँ पे लगाते हैं ओके अभी इसको तोड़ो ठीक है अभी मेरे को क्या है सिंपल सा यहाँ पर अपने जो भी ट्रैप डोर्स है जो भी मैं लेके आया था इतने सारे ठीक है अब वो टैप डोर्स मेरे को यहाँ पे लगाने हैं ताकि जॉम्बी को ऐसा लगे कि यहाँ पे एक रास्ता ही है और वो डायरेक्ट जाके इसके अंदर गिरे ठीक है अभी ट्रैप डोर का तो यही मीनिंग होता है कि उनको ऐसा लगेगा कि आगे रास्ता आ रही यहाँ ओके अभी वो लोग ऐसे आएंगे और डायरेक्ट नीचे जाएंगे अभी उन लोगों को ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे एक रास्ता है तो उस हिसाब से मेरे को चारों साइड में ऐसे ही आ, सेम टू सेम मेरे को ट्रैप डोर लगा देने हैं ठीक है जैसा कि मैं लगा रहा हूँ ओके okay, अभी ये वहाँ जाने का मेरे को चारों साइड से जाने का रास्ता भी बनाना पड़ेगा फिलहाल के लिए ओके okay, यहाँ पे मेरे को टॉर्च लगानी पड़ेगी ओके okay, ये टॉर्च लगा दिए मैंने ओके okay, तो गैस बस लास्ट ये जगह बची है मैंने चारों साइड टॉर्चिज लगा दी टॉर्चिज क्या आ, ट्रैप ट्रैपडोर मैंने लगा दिए हैं ठीक है अब ये थोड़ी सी जगह बची है वो भी मैं लगा देता हूँ ओके okay, एक दो तीन चार पाँच ओके okay, ट्रैप डोर की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ी है गैस अपने को और मेरे को यहाँ से स्पाइडर की आवाज़ आई एक सेकेंड यहाँ पे स्पाइडर कहाँ से आ गई भाई एक सेकेंड मेरे को ऐसा लग रहा है वो नीचे की साइड है स्पाइडर और वो नीचे के साइड स्पॉन कैसे हो रही है यार एक सेकेंड एक सेकेंड ये अभी अपने फ़िलहाल के लिए ये रखते हैं ये सारे जितने भी ट्रैपडोर से ये मेरे को खोलने पड़ेंगे ताकि उन लोगों को लगे कि एक रास्ता ही है लेकिन वो रास्ता नहीं होगा वो अपना जाल होगा जो आके वो फंस जाएंगे जॉम्बी और वो डायरेक्ट पानी में आके फंस के डायरेक्ट नीचे जाएंगे और मैं उन लोगों का नीचे मुंह तोड़ दूंगा ठीक है और मेरे को लगा एक ही साइड बची है लेकिन एक साइड नहीं बची थी दो साइड बची थी तो फटाफट से इसको भी यहाँ पे लगाते हैं और ये कंप्लीट करते हैं ट्रैप डोर की कमी नहीं पड़ी है बिल्कुल भी दस डोर और बचे हैं मेरे पास और ये इसको लगा के कंप्लीट करते हैं ठीक है अभी बस सिंपल सा मेरे को इसको ओपन कर देना है लेकिन वो एक सेकंड इसको कलेक्ट करते हैं इसको ओपन करते हैं ऊपर चढ़ते हैं और सारे जितना भी है सब ओपन करके ठीक है ये एकदम परफेक्ट है अभी उसको ठीक है काइज तो लगभग अपना काम डन हो चुका है ऑलमोस्ट तो फटाफट से अपने जितने भी ट्रैप ट्रैपडोर से उसको ओपन कर देते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए उस साइड जान दो मेरे को ठीक है अभी ये हटा देता हो जितनी भी टॉर्चिस है ताकि यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन होने चालू हो जाए ठीक है काइज ओके तो इसको भी करते हैं कवर इसको भी वो साइड जाके मेरे को करना पड़ेगा अरे यार गिर गया अच्छा है मैंने यहाँ पे कवर कर दिया था नहीं तो डायरेक्ट मुँह टूट जाता मेरा अभी तक तो सही में ठीक है अभी वो साइड के मेरे को खोलने पड़ेंगे सारे जितने भी ट्रैप डोर्स हैं ठीक है अभी सारे ओपन करते हैं अपने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह ठीक है टोटल सोलह लगे हैं ट्रैप डोर्स एक साइड में अभी मेरे को यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि वो रास्ता एकदम अपना ओपन हो जाए ठीक है तो इसको अपने तोड़ते हैं फटाफट से एक ये गया ये गया देखो गाइस खाली एक एक ब्लॉक ही लगाया हुआ था मैंने ठीक है अगर ये ब्लॉक नहीं लगाया होता तो मैं गया था अभी देखो यहाँ से डायरेक्ट जॉम्बी आएंगे और वो जाके गिरने वाले हैं पानी में ठीक है अब इसको भी मैं तोड़ता हूँ ताकि पानी फ्लो से डायरेक्ट वहाँ पे चला जाए ठीक है अभी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गलती हो गई आई थिंक सो मेरे से गलती हो गई ये ज़्यादा आगे चला गया पानी नहीं 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 ऐसा नहीं जाना चाहिए मेरे को वापस से वाटर कलेक्ट करके वापस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो अनलिमिटेड वाटर सोर्स था ना वो उसकी वजह से इतना पानी इधर आ चुका है ठीक है इसको लिया मैंने और इसको लिया ठीक है अभी मेरे को एकदम कंप्लीट लग रहा है अभी एकदम रहना चाहिए मेरे को लेकिन इसको सुखाना ही पड़ेगा ये सूखेगा नहीं तब तक मेरे को लगता नहीं कि कुछ होगा इसको सुखा देते हैं यार ये सूख क्यों ही रहा है ठीक है अभी सूख गया ओके 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 ठीक है अभी अपना काम डन हो चुका है ठीक है अभी बस मेरे को यहाँ से पानी छोड़ना है एक ये और दूसरी मेरे को ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए यार गलती हो गई ना तो फिर पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ठीक है अभी ये एकदम कंप्लीट है गाइस एकदम कंप्लीट है अपना काम एकदम कंप्लीट है अभी आप देखो गाइस कि ये जोम्बे आएंगे डायरेक्ट और ये पानी में फंसे नीचे जाने वाले हैं और वन एच पी बचेगी बस एक तलवार मार रही हैं और बहुत सारी एच पी भी अपने को मिलेगी प्लस जित जो भी जोम्बी सामान लेके आएगा वो भी अपने को मिल जाएगा ठीक है अभी इसको भी मैं तोड़ता हूँ जितनी भी टॉर्चेज है सारी मेरे को तोड़नी पड़ेगी ताकि यहाँ पे अंधेरा हो जाए एकदम ठीक है अभी मेरे को पता है वहाँ से रोशनी आ रही है मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा ठीक है वो भी तोड़ो ये भी तोड़ो फला सब तोड़ दो ठीक है अभी बस अपना काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस नाइन्टी परसेंट अपना काम डन हो चुका है ठीक है ओके ये भी हो चुका है ये भी हो चुका है कुछ रह तो नहीं गया है ना वैसे सब कुछ कंप्लीट है गाइस ठीक है अभी ये अगर अपना काम सक्सेस हो गया तो अपने एक एक फ्लोर ऊपर कर देंगे ताकि यहाँ पे एंडर मैन भी स्पॉन हो और उनसे मेरे को पता नहीं क्या चीज़ मिलेगी ठीक है तो अभी इसको ऊपर से भी अपने कवर कर देते हैं और ऊपर जाके अपने को टॉर्चिस लगानी है वापस से अरे यार चढ़ जा क्या कर रहा हूँ मैं अरे यार ठीक है अभी ठीक है ओके अभी इसको कंप्लीट करते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं पूरी तरह से ओके okay, गाइज तो नीचे मेरे को कोई गलती रह तो नहीं रही ना मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ वैसे कुछ रह तो नहीं गया यहां पे है यहाँ पर ऑलमोस्ट सब डन ही है ठीक है अभी मैं यहाँ पे अंधेरा कर दूँगा ना तो मस्त बहुत सारे जो आने ही वाले हैं ओके okay, तो बस अब भैया इसको तोड़ो भैया और इसको कवर करो भैया ठीक है इसको लगाओ ठीक है एक सेकंड अभी इसको कवर कर दिया मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया अब मेरे को बस एक चीज़ करनी है चारों साइड टॉर्चेज लगानी है बहुत सारी और अपना काम डन हो जाएगा गाइस ओके तो गाइस मैंने बहुत सारी टॉर्चेज लगा दी है मतलब भर के टॉर्चेज लगा दिए हैं ताकि एक भी जॉम्बी ऊपर स्पॉन ना हो डायरेक्ट अंदर की साइड ही स्पॉन हो ठीक है तो अभी ये एकदम कम्प्लीट हो चुका है अपना काम अभी फटाफट से नीचे जाते हैं अभी देखते हैं कि अपना जो भी फार्म है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेस्ती हो जाएगी नहीं तो ठीक है अच्छी वाली तो ठीक है अभी इसको फटाफट से तोड़ते हुए अपने नीचे चलते हैं ओके 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 अभी अपना बहुत सारे गाइस मतलब अपने पास ओ बेटे आपकी आवाज आ रही थी ओ भाई साहब इतने सारे जॉम्बी नीचे क्या कर रहे यार अच्छा इस मतलब ये ऊपर जो भी मैंने बेस बनाया उसकी वजह से नीचे अंधेरा हो गया है तो ये धूप से बच रहे हैं ओके okay, बेटे बहुत ज़्यादा ही तेज हो रहे हो रुको 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 तुम लोगों को मैं बताता हूँ एक सेकेंड तुम लोगों को तो मैं अच्छे से बताता हूँ इसको मैं सबसे पहले ना जो भी स्पाइडर है ना इसको मार के आता हूँ ठीक है तो क्या है कि ये ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इसकी आवाज़ की वजह से ठीक है गायस तो मैं उसके पास पहुँच चुका हूँ आ जा तू तेरे को बहुत तेरे को ज़्यादा ही आवाज़ सूझ रही है तेरे को ज़्यादा ही नाटक सूझा है ना रुक जा रुक जा रुक तेरे को मैं बताता हूँ कैसे है ना तेरे को वो चढ़ता है ए एक चल चल नीचे जा नीचे जा नीचे जाओ जा भाई डायरेक्ट मर गई हो तो नीचे गिर के ठीक है मतलब ये इतनी ऊपर से गिर रही है तो ये डायरेक्ट मर जा रही है लेकिन मेरे जोम्बिस ऐसा नहीं होने चाहिए मेरे जोम्बिस को क्या बोलते हैं मरने नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऊपर से गिर के मेरे को मेरे को खुद ही मारना है बे यार यहाँ पे तो इसने यार यहीं पे लटकी हुई है तेरी ऐसी की तैसी तू मरेगी कितने नाटक कि मेरे को लगा एक ही स्पाइडर है यहाँ पे तो दो दो स्पाइडर आके बैठी हुई है देखती क्या है बे तेरी ऐसी की तैसी तू तो मेरे एरिया में आई कैसे बहुत सारे यार यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ तो स्पाइडर ही स्पाइडर हो जाएगी बहुत सारी ठीक है इसका ये चीज़ का भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अपना काम डन हो चुका है अभी मेरे को जाके वो क्रीपर को मारना है अगर क्रीपर फटा तो मेरी लग जाएगी ऐसी की तैसी हो जाएगी गाइस ठीक है गाइस अभी मैं डायरेक्ट जंप लगाने वाला हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे को लगता नहीं है ओके लग गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया अभी मैं डायरेक्ट जंप इसलिए मारा क्योंकि वहाँ पे स्केलेटन खड़े हैं अभी मैंने इनको तोड़ते हुए लाता ना तो स्केलेटन मेरे को मार दिए होते अभी तक तो मार दिए होते क्या मार दिया होता अभी तक कंप्लीट हो जाता मेरा काम तो अभी एक तो मेरे पास ए, क्या बोलते हैं एक्सपी नहीं है ऊपर से ये और मारेंगे आ जा तू अंधेरे में कर क्या रहा है वहां पे इधर आधर ए बेटे तेरे को पहले आना है आ जा आ जा तेरे को मैं देख लेता हूँ नहीं फूटा भाई फूटा कैसे नहीं तू तू फूटा कैसे नहीं तू फूटा कैसे नहीं अभी भी नहीं फूटा मैं तेरे फु को ऐसे ही मार दूंगा चल ऐसी भाई बच गया बे यार उसने पूरा खार पूरा खराब कर दिया होगा यार मेरा पूरा का पूरा ठीक है गाइस अभी वापस से ऊपर जाते हैं ठीक है यहाँ पे स्केलेटन है यार स्केलेटन है यार ओके बच गया बच गया बच गया रे मार भाई तू मार तू उसको मार जो भी आ रहा है ना क्रीपर को मार ठीक है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रीपर फटा और मेरा डॉग मर गया ना तो मैं क्रीपर को छोड़ने वाला नहीं हूँ अभी मैंने उसको टच नहीं किया ना इसलिए मेरा डॉग कुछ कह नहीं रहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने गलती से अपने डॉग को मार दिया लगता है चल तेरी ऐसी की तैसी चल 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 तेरी ऐसी की तैसी फट नहीं रहा फट नहीं रहा फटना चाहिए भी नहीं फटना नहीं चाहिए पूरी जगह मेरी खराब कर देगा ओके मार दिया मार दिया मार दिया ठीक है मार दिया गाइस मार दिया ठीक है दिया अभी मैं ऐसी एक आयरन की आयरन की नहीं आयरन की नहीं अपने गोल्ड किया तो डायमंड की वो जी जो भी तलवार बनाते हैं खतरनाक होती है तेरी ऐसी की तैसी मैं तेरे से, डरने वाला नहीं हूँ बेटे तू कर क्या लेगा तेरी तो ऐसी की तैसी डॉग काम गया यार भाई मार इसको ये आके काट रहा है मेरे को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अपना डॉग बहुत काम का है बहुत ज्यादा ही काम का है लेकिन एक भी सोम्बी नहीं आया यार गाइस एक सेकेंड गाइस यार एक भी सोम्बी नहीं आया यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार एक सेकंड सामान तो कुछ भी नहीं पड़ा है यार अंदर यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की इसके चीज में शायद से रात हो तो हो ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस ठीक है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मैं ठीक है ना अभी यार मेरे को लगा कि बहुत सारे आ जाएंगे यार बहुत सारी चीजें अपने पास कलेक्ट होने वाले जोम्बी स्पॉन होंगे पता नहीं ठीक है गाइस तो आज के लिए बस अपने इतना ही रखते हैं मेरे को लगता है कि अगली वीडियो में अपने को ये कंटिन्यू करना चाहिए वैसे अपना एक्सपी पाम बन के पूरा रेडी है बस इसको प्रैक्टिकल अपने को देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो ये चीज अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और नेक्स्ट एपिसोड अपना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है गाइस ठीक है तो वेट करना तो आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो ठीक है तो नीचे एक प्यारा सा लाइक बटन है और गाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से नीचे एक प्यारा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी होगा वो भी जाके दबा देना गाइस ठीक है तो आज के लिए इतना ही गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गायस गुड बाय सी यू सून